हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने है ब्रांड न्यू यामा की R15 MTFT डिस्प्ले, ब्रांड न्यू यामा MT15 2.0 का नया मॉडल, जिसमें आपको काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिले हैं। इस वीडियो में दोस्तों दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं, कितना डिस्प्ले फ़र्क है, कितना माइलेज फ़र्क है, कितना प्राइस फ़र्क है और कितना आपको बाइक में बॉडी फ़र्क देखने को मिलता है। सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप ये दोनों बाइक के बारे में कंप्लीट डिफरेंसेस जानना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं एम और आर MT15 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में, दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस देखने को मिलता है। आपको बताना चाहूँगा MT15 जो है वो एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,68,400 रुपीज़, 1,68,400 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। अपनी जो एम है आपको ये एक्सरूम प्राइस अराउंड, ये नया TFT डिस्प्ले वाला वेरियंट है, 1,93,300 रुपीज़ के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आप दोनों बाइक का कंप्लीट प्राइस डिफरेंसेस देखें तो MT15 के कंपेयर में R15 जो अराउंड 25,000 से 26,000 रुपये के आसपास की ज़्यादा महंगी है। तो ऐसा क्या है इसमें? सबसे पहली बात, दोनों बाइक का सेगमेंट अलग है, एक तरफ है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक और एक तरफ है नेकेड स्पोर्ट बाइक। तो R15 एक बहुत बल्कि गाड़ी आपको लगेगी, काफ़ी बड़ी लगती है और काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी ये लगेगी एज़ कम्पेयर टू MT15। लुकिंग वाइज बहुत अच्छी बट वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ये भी एक डिफरेंसेस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के फ्रंट के बारे में, ठीक है। देख पा रहे दोस्तों दो फ्रंट में आप लोगों को MT15 जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले छोटी छोटी LED जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में मिलती है, और मेन लाइट में बाइक में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको MT15 में जो है देखने को मिल जाती है। बात करें R15 के बारे में, R15 में आपको खिंची खिंची बड़ी LED लंबी जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में मिलती है, जिससे बाइक बहुत अच्छी लगती है। मेन लाइट में बाइक में आपको इसमें भी जो है सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है। तो लाइट्स में दोनों लगभग सिमिलर है। बात करें सस्पेंशन के बारे में, इसमें भी आपको 37mm की USD Fox सस्पेंशन मिलते हैं, इसमें भी आपको 37mm की USD Fox सस्पेंशन मिलते हैं। टायर में आपको दोनों ही बाइक में आपको 180 की जो टायर साइज़ है वो मिल जाती है। ब्रेकिंग में आपको बताना चाहूँगा, अब MT15 में भी डुअल चैनल आ गया है, मतलब दोनों ही बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, मतलब ब्रेकिंग में अब आपको दोनों बाइक लगभग बहुत अच्छी मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन कंपैरिजन के बारे में, और हाँ LED इंडिकेटर दोनों में मिलेंगे, ठीक है। बात करें इंजन के बारे में, इंजन में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दोनों बाइक में आपको 155cc का लिक्विड कूल SOSC 4 वॉल्यूम सिंगल सिलेंडर जो इंजन है आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक में आपको 18.4 के आसपास की PS पावर देखने को मिलती है, और MT15 में 14.1 का इंटरमीडियट टॉर्क है, लेकिन R15 में आपको 14.2 का इंटरमीडियट टॉर्क है। तो टॉर्क के मामले में आपको बताना चाहूँगा अपनी जो R15 है वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकालती है। दोनों बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, यू कैन सी, ठीक है। दोनों ही बाइक में आपको OBD2 सेंसर जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस दोनों ही बाइक में आपको जो अपना स्लीपर क्लच है वो भी आपको मिलेगा। बट एक डिफरेंस है, R15 में किक शिफ्टर भी आता है, MT15 में किक शिफ्टर नहीं आता। बाकी दोनों बाइक में आपको VV यानी कि वेरिएबल वॉल्यूम टेक्नोलॉजी जो है दोनों बाइक में मिल जाती है। ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपैरिजन। तो कुछ फीचर में अपनी R15 जो है ज़्यादा बेटर है, और परफॉर्मेंस वाइज भी आपको ये थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगी एज़ कम्पेयर टू MT15, क्योंकि फेयरिंग स्पोर्ट बाइक है, विंड ब्लास्ट को ये ज़्यादा फेस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू MT15। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो है आपको ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन मिलेगी, प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। बात करें माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में, माइलेज में आपको दोनों बाइक अराउंड 40 के आसपास का जो माइलेज है निकाल कर दे देगी। बात करें 0 to 100 के बारे में, तो R15 को लगभग 10 से 11 सेकंड लगते हैं, MT को लगभग 12 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड R15 की ज़्यादा है, 140 तक चली जाती है, उसकी टॉप स्पीड थोड़ी सी कम है, 130 तक जाती है। अब आते हैं रियर की तरफ,
टेल लाइट में आपको दोनों बाइक में जो है एलईडी टेल लाइट देखने को मिलता है। देख पा रहे हैं दोनों बाइक का जो रियर लुक है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। कंपनी ने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की है। रियर की टायर साइज़ दोनों की सेम है, लगभग 140/70 की टायर साइज़ रियर में दोनों बाइक में मिलेंगे। 230mm की जो डिस्प्ले है आपको दोनों में मिलती है। उसकी डिस्प्ले है ये अपनी R15M की डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको मोनोसॉक सस्पेंशन दोनों बाइक में मिल जाते हैं। सीट का काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो MT15 में आपको उसमें स्प्लिट सीट नहीं मिलता, देख पा रहे हैं ये सिंगल सीट है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है, 1 और 2 का जो सीट है वो आपको अपनी R15 में देखने को मिल जाता, तो ये भी एक डिफरेंसेस मिलेगा। बात करें MT15 की अब स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की की आपको मिलेगी। स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक में आप लोग देख पा रहे हैं फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको MT15 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी साथ में आपको बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब स्पीडोमीटर में MT15 भी बहुत अच्छी है, और लेकिन IS वाली R15M के सामने कुछ भी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। जिसमें पास से लो बी टर्न सिंगल लाइफ हॉर्न इंजन के हिसाब आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं R15 के स्पीडोमीटर के बारे में, भैया इसका तो अलग ही जलवा है, कह सकते हैं हमारा जलवा है मार्केट में वो है ही। देख पा रहे हैं इसमें आपको कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है और इसका और उसका। फीचर इसमें भी बहुत सारे हैं, गियर इंडिकेटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्लॉक, स्पीडो टेकोमीटर सॉरी यार RPM मीटर, स्पीडोमीटर, आपका फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, यहाँ स्विचेस है इसे आप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2, बैटरी टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप, करंट फ्यूल भी आपको इसमें मिलेगा, एवरेज फ्यूल भी आपको मिलेगा, एवरेज स्पीड भी आपको मिलेगी। साथ में आपको इसमें यह ऐसा मोड भी चेंज करने को मिल जाता है। साथ में आप इसके ऐसे स्पीडोमीटर में थोड़े बहुत सारे इसके स्पीडोमीटर में ये सेटिंग भी कर सकते हैं। तो भाई मीटर में R15 यहाँ पे सीधे सीधे विनर है, बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू MT15। बाकी बात कर ले दोनों के और भी चीज़ों के बारे में, सीट हाइट MT15 की थोड़ी सी कम है, 810mm की है, R15 की 815mm की है। और आपको बताना चाहूँगा कि दोनों बाइक चाहिए तो आपके लिए MT15 बहुत अच्छी है। अगर आपको अनकंफर्टेबल बाइक नहीं चाहिए, सॉरी यार अनकंफर्टेबल बाइक चाहिए, लेकिन आपको मतलब ट्रैक पर्पज़ टाइप की बाइक चाहिए, आपको एकदम फेयरिंग बाइक का चलाने का शौक है, स्पोर्ट बाइक चलाने का शौक है, तो यहाँ पे R15 सीधे सीधे विनर है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अपने सेगमेंट में दोनों बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और दोनों बाइक को कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। अपने सेगमेंट में दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आपको कौन सी अच्छी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों अपनी जो R15M है वो MT15 से सीधे सीधे विनर है। बाकी आप बताना आपको कौन सी पसंद है। उम्मीद करते हैं छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।